पल्लवी अभिषेक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना ब्लॉग अभी शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है कटिश्याम बाबा का जन्मदिन और देवताने का एकादशी, तो मैं दोनों की ही पूजा करूँगी। तुलसी जी की पूजा आज नहीं करूँगी, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन करूँगी। और मैं आई हूँ मार्केट में कुछ सामान लेने पूजा का, और खाटूश्याम बाबा के वस्त्र वगैरह, तुलसी मैया का भी वस्त्र वगैरह आज ही खरीद लेंगे क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। और इधर गन्ने तो मैं ये भी खरीदूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो ये भैया है, मैं नीचे सामान लेती हूँ। ये निकाली चुन्नी एक, और लाए भैया निकाल के, और सामान दो, माला वगैरह अच्छी दिखाओ खाटू बाबा के लिए, वो साइज में, उस साइज में है नहीं, नीली वाली नहीं दिखाओ, मोती होती में ही कुछ दिखाओ। हाँ अच्छे में थोड़ा दिखा दो। बिछिया दे दो, बिछिया बिछिया अरे एक सेट दो। डिजाइन और नहीं है, बस ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, तो ये दे दो और क्या। तो ले रहे हैं भी सामान और आपको दिखाते रहेंगे। सत्यनारायण की नहीं, बृहस्पति देव गुरुदेव भगवान की। नहीं मिल रही है, और गोवर्धन घी की पैकिंग दिखाओ जरा। एक किलो नहीं है, ले लिए ये गंदे क्यों मच रहे हैं, हो जा रहे हैं डब्बे। ये वाला दे दो। मैं सारा सामान लेके घर आ चुकी हूँ और अभी थोड़ा सा सामान जो गन्ने वगैरह लगते हैं पूजा में वो लाने बाकी है, तो अभी वो लेने मैं जाऊंगी। उसके बाद हम पूजा का बनाएंगे रंगोली, तो आप सबको दिखाएंगे सामान में मैंने क्या क्या लिया। आप देख ही रहे थे मैं वहाँ क्या क्या ले रही थी। तो सारा सामान मैक्सिमम आ गया है पूजा पाठ का, गन्ने बचे हैं, सब्जी जो चढ़ती है वो बची है, और खाटू बाबा के लिए सोच रही हूँ कि अन्नकूट की सब्जी बना दूँ, तो उनके लिए अन्नकूट की सब्जी भी बनाऊँगी ताकि उसी में सारे पकवान उनको खाने के लिए मिले। तो अभी चलते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। सारा सामान लेके आ गए हैं और
आपको दिखाई है सारी तैयारी। और सबसे खुशी की बात ये भी है कि आज मेरे श्याम बाबा का जन्मदिन है, उसे मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ। ऑफिस भी था पर शॉर्ट लीव लेकर निकली थी, सारा सामान मैनेज किया है मैंने। और उसके बाद हम लाए हैं ये, तो इसी की पूजा होगी। अभी देवठाने का रस्सी वाला चौक बनाएंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं, तो आप देख। और मंदिर के सामने ही मैं बनाऊंगी, देवठान वाली पूजा भी करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन। उसकी तैयारी भी चल रही है, उसके भोग में प्रसाद में मैंने क्या क्या बनाया है सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, बाबा का जन्मदिन मिलेगा, दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। और कृष्णा का जन्मदिन या मेरे बाबा का जन्मदिन या किसी भी देवी देवता का, इस तरीके से कोई भी दिन होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज तो मेरे बाबा का जन्मदिन है, तो आपको मेरे फिर से भी लग ही रहा होगा। तो तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं अभी वहाँ पे उस जब मंदिर के सामने ही देवठान वाला चौक बनाने जा रही हूँ, तो आप ज़रूर देखना कि वो चौक कैसे बनाते हैं और मैंने कैसा बनाया है, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये है मेरा मंदिर और मैं चौक जो बनाऊंगी वो इस जगह पे बनाना स्टार्ट करूंगी यहाँ पे, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। देखिए दर्शन करिए, आज इनका बर्थडे है। तो फ्रेंड अभी किस किस के घर में खाटू बाबा की मान्यता है, किसके यहाँ पूजा होती है सब बताना मुझे। और घर का माहौल बहुत अच्छा सा है क्योंकि बाबा का है आज जन्मदिन, तो तैयारी शुरू करते हैं देवठान वाली पहले।
घर में पूजा हो चुकी है वो जल्दी जल्दी कमेंट कर देना कि उनके घर में पूजा हो गई है। और नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल सके। तो अभी हम लोग आपको रिप्लाई दे देंगे, तो अभी चलते हैं। और फ्रेंड, एकादशी वाली पूजा हो चुकी है और अब खाटू बाबा की भी प्रॉपरली पूरी तैयारी हो गई है, चौकी वौकी लग गई है, थोड़े से बैलून लगाने थे तो वही बस लगा रही है रजनी। बैलून लगने के बाद फिर हम लोग खाटू बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उनकी पूजा करेंगे एकादशी की, तो दिखाते हैं। फ्रेंड, पूजा हो गई है, ये भोग आपने देख ही लिया था मैंने क्या क्या भोग बनाया है, क्या क्या लगाया है, तो पूजा संपन्न हो गई है। फ्रेंड, ज्योत आरती जल गई है, आप सब लोग ज्योत आरती का दर्शन कर लीजिए, मेरे खाटू बाबा का दर्शन कर लीजिए, हो गया इनका जन्मदिन। तो मेरे बाबा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बाबा इसी तरह हर साल हम लोग आपका जन्मदिन मनाते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। पूजा फट सब फाइनली हो गई, बाबा का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, सब कुछ बनाया था, आप लोग को सब दिखाया है ब्लॉग में मैंने, और मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है। और ये देवठान वाली पूजा भी मेरी हो गई है और सब कुछ निपट चुका है। ये देखिए, हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती तो रंग जरूर लगाया जाता है, तो आज देवठान एकादशी की भी पूजा थी, मेरे बाबा का भी जन्मदिन था इसलिए मैंने रंग लगाया था, और ये मैंने देवठान एकादशी की पूजा यहाँ से की थी और वहाँ तक आप देख सकते हैं कितना सुंदर सामने का दृश्य लग रहा है। उधर बीच में मेरे बाबा का सिंहासन सजा हुआ है, उनका जन्मदिन का सारा प्रोग्राम, वहाँ पार्टी हुई और ये देवठान एकादशी की पूजा हुई, तो आप सब देख सकते हैं। ये रही मेरी देवठान एकादशी की पूजा, खाटू बाबा का जन्मदिन भी मैंने दिखाया आपको, सारी पूजा पाठ दिखा दी है, एक बार फिर से पास से दिखा दे रहे हैं आपको। ये देवठान एकादशी की पूजा और ये रही मेरे खाटू बाबा की पूजा थी, ये मैंने ऐसे मंदिर सजाया था, बैलून लगाए थे ऐसे ऐसे, और ये रहे मेरे खाटू बाबा, एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। ये रहे मेरे कान्हा जी, तो इनकी पूजा भी हो गई है, सब कुछ फाइनली कंप्लीट हो गया है, बाबा का जन्मदिन अच्छे से मन गया। तो फ्रेंड, अब हम भी प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे, टाइम बहुत हो गया है, 10:15 बज रहा है, तो चलते हैं। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आज पूरे दिन बहुत भागम भाग हो गई, बहुत थकान हो गई, मेरे ब्लॉग डेली नहीं आ पाते फ्रेंड, तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, और 82 ही सब्सक्राइबर थे काफ़ी दिन पहले भी, आज भी वही हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी शौक के लिए बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर कोई बात नहीं, समय लगता है हर चीज़ में, पर मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं रील्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, और जैसे सब अच्छे से रेडी होके पकड़ो इनको रेडी होके चीज़ें करते हैं, उस तरीके से मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ और मैं जितना भी समय दे पाती हूँ मैं उतना ही करूँगी, बस मुझे अच्छा लगता है ये ब्लॉगिंग करना, रील्स बनाना चीज़ें, इसलिए मैं करती हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, आज का, आज बाबा का जन्मदिन था, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर इन्जॉय करिएगा, और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे चीज़ें बढ़ें, मेरा हौसला बढ़े, मुझे थोड़ा मोरल सपोर्ट मिले, बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं फ्रेंड। तो सभी को खाटू बाबा के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, जय श्री श्याम, देवठान एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं, देवठान महाराज सभी पे अपनी कृपा बनाए, खाटू बाबा सभी पे अपनी कृपा बनाए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी, अब मैं भी प्रसाद वगैरह ग्रहण करूंगी, तो सभी को जय श्री श्याम, सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय।